आपका स्वागत है। मतलब कि बाटू के बोले तो मले के अंदर कहते हैं बाटू को। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है 272 स्टेप्स को चढ़ना। यहाँ से आप सोविनियर्स वगैरह खरीद सकते हो और बाटू केव से चलने की तैयारी होगी। ये जैसे बाटू केव से आ रहे थे ना, तो इसकी राइट साइड पे देखिए स्कूल बना हुआ है, तमिल बाटू केव स्कूल है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं सभी, ये तमिलियंस है बेसिकली। मतलब ये स्कूल के अंदर सभी तमिलियंस ही पढ़ते हैं, मतलब जो मलेशियन तमिल हो गए। अब सेंट्रल मार्केट पहुँच गए हैं बाटू केव से आगे। ये बेसिकली 1888 में, मतलब 1888 में बनी थी या खुली थी कह लो, काफ़ी पुरानी मार्केट है। मतलब ये इसके अंदर चल के देखते हैं क्या हिसाब किताब, आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से इसके एंट्रेंस है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1888 सेंट्रल मार्केट। सुबह 10 बजे खुलती है ये, ध्यान रखिए। ये सामने लिखा भी हुआ है 10 से लेकर रात के 10 बजे तक। पसारसानी मतलब वेलकम, मलेशिया के अंदर कह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बम्ब बनी हुई है अंदर। इस मार्केट अंदर एक बेनिफिट ये है कि सारी मार्केट एसी है, मतलब जैसे बाहर गर्मी होती है अंदर काफ़ी कह लो कि अच्छा लग रहा है घूम के। ये टॉफियों की दुकानें हैं, कैंडीज है। नेचुरल हैंडमेड सोप्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। आप पीछे ध्यान से देखिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनाई हुई है इन्होंने। अभी ऊपर जा रहे हैं, के अंदर जो हम एंडिंग कर रहे हैं ना, वो जब दिन ख़त्म होगा उसके साथ करा करेंगे, क्योंकि एक दिन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ कवर करनी होती है, तो बार बार जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा वहीं पे कट लगा दिया करेंगे। साइड पे काफ़ी फंस गए, पीछे मेरे पश्मीना शॉल लगे हैं। हिंदी बोल रहे पीछे, सुनिए। चल मैं चेक कर। तो अभी पूछते हैं इनको कैसा लगा मलेशिया में। आपको मलेशिया में आके कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा, दिस इज ए टूरिस्ट प्लेस। वो तो सबको ही पता टूरिस्ट प्लेस है, सभी लोगों को आना चाहिए जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। अभी अभी हमने मार्केट जो देखी है वो 1888 की बनी थी, काफ़ी पुरानी है। अब हम जाने लगे चाइना टाउन वाली मार्केट में। अच्छा लग रहा है। अभी ये देखिए सामने एक और मार्केट आ गई है, बेसिकली आप कह लो ये स्ट्रीट वेंडर्स है, मतलब टाइप ऑफ कह लो उसी की तरह की है कुछ।
ये देखिए ये बेसिकली खुले में लगाई हुई है, बिल्कुल जैसे सेंट्रल मार्केट से बाहर आओगे ना आपकी लेफ्ट साइड पे ये पड़ती है। ये कंपैरेटिवली चीप है अंदर से, क्योंकि अंदर एसी चल रहा है तो उन्होंने बिल भी तो निकालने अपने। अभी कोई यहाँ की लोकल डिश खा रहा हूँ, पता नहीं क्या चीज़ है, वेजिटेरियन है। कुछ चीज़ करके है यहाँ पे, फूड एटरी पॉइंट्स भी काफ़ी है। ये इस मेरी बैक साइड पे देखिए सारी मार्केट, मतलब कुछ भी आप खा सकते हैं यहाँ से लेके, स्ट्रीट फूड कह लो आप इसको। यहाँ मेरी बैक साइड में देखिए ये बेसिकली स्ट्रीट फूड है सब। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये टिपिकल मलेशियन फ्रूट्स है, मतलब लोकल ग्रोन कह लो। अपनी भाषा में बोलते हैं, हमें कहाँ समझ आने वाला। ये गो केएल बसेस है ना जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली सिटी के अंदर कम्यूट करने के लिए है। मौसम देखिए कितना सुहावना हो गया ऊपर। बेसिकली इस साइड से भी आप जा सकते हैं जो स्ट्रीट मार्केट है। इस साइड पे भी मार्केट है कोई, मगर हमने अभी जाना इस साइड पे सामने चाइना टाउन। ये सड़क क्रॉस कर रहे हैं, देखिए कितना ट्रैफिक दोनों पास रुका हुआ है, काफ़ी मज़ेदार आना यहाँ पे। इंडिया में तो ठोक ही देते हैं अगर आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। भाई बाहर के मुल्कों में सिस्टम है, कहते हैं ना कि सिस्टम तो काफ़ी अच्छा होता ही है। सेवन इलेवन जैसे आपने थाईलैंड में देखा था ना, यहाँ पे भी है, कोने कोने में सेवन इलेवन है। एक सेवन इलेवन है, एक के सुपर मार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए के सुपर मार्ट, ये भी कोने कोने में ही है। ये सेवन इलेवन भी आ गया भाई, जिसको याद कर रहे थे। अभी इसके अंदर नहीं जाते, फिर आगे किसी वीडियो में आप देखना। चलो अंदर चल ही पड़ते, मैंने सोचा आपको दिखा ही दें ये सेवन इलेवन भी। ये देखिए कुछ ऐसा है यहाँ पे सेवन इलेवन, डाइट कोक, क्या देखना है हमने भाई साहब। टूथपेस्ट भी लेनी है। ये देखिए ड्रिंक्स, देखिए ये इम्पोर्टेड ड्रिंक्स। तो देखा आपने ना सेवन इलेवन यहाँ का, अब बस यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। सामने देखिए चाइना टाउन मार्केट आ गई है। बारिश हल्की हल्की सी, मतलब ड्रिजलिंग सी होनी शुरू हो गई है। ये चाइना मार्केट आ गई है, पूछ लेते हैं एक बार। भैया इज दिस चाइना टाउन मार्केट? ओह यही चाइना टाउन मार्केट है। इस मार्केट के अंदर बेसिकली आपको सारी नकली चीज़ें ही मिलेंगी तकरीबन, क्योंकि चाइना से आ रही हैं तो कॉपी का इशू तो होता ही है, कॉपी वाली चीज़ें बेची जा रहे हैं। अभी पता भी करते हैं मतलब किस हिसाब से दे रहे हैं। ये सुबह जो आप देख रहे हो ना, हमारे होटल में रह रहे हैं,
किलोमीटर का। काफ़ी बड़ी मार्केट है, मैंने सोचा छोटी सी है, पता नहीं क्या बन रहा है। ये बैक साइड पे देखिए, अभी इस साइड पे भी जाएंगे और इस साइड पे भी देखिए। ये अब पहले लेफ्ट साइड पे आ गए हैं। चाइनीज चीज़ों का यहाँ पे भंडार है। तकरीबन जो शॉपकीपर्स भी हैं वो भी इंडियंस ही हैं। इंडियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली मलेशिया के अंदर। ये सामने पेटलिंग स्ट्रीट आ गई है, यहाँ पे मैंने जाना था मगर फाइनली खुद ही मिल गई है। चाइना टाउन पेटलिंग स्ट्रीट। ये सामने मॉल है क्या है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये एक कोना यहाँ पे ख़त्म हो गया था, अब दूसरे कोने में जाएंगे। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये इस पूरी दुकान के अंदर सभी आइटम्स 20-20 रिंगेट की है, मतलब 20 रिंगेट के ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कौन सा भी कोई कपड़ा ले लो, मतलब मिनिमम भी 20 का है, मैक्सिमम भी 20 का है ना, ज़बरदस्त बात। टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द चाइना टाउन भी इसको कहा जाता है। ये अब दूसरी साइड पे आ गए हैं, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, दुकानें बंद कर दी हैं। ये मलेशिया की बारिश सबको कैसी लग रही है। ये प्लम खाया जा रहा है, 10 रिंगेट के अंदर उन्होंने 6 प्लम दिए हैं, काफ़ी अच्छा सोफा कह सकते हैं, काफ़ी मीठे थे। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, तभी देखा अपने पीछे देखो मार्केट, मतलब लोगों ने समेट ही लिया एक तरह से, मतलब बंद कर दिए क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, ह्यूमिडिटी भी है। अब देख रहे हैं, मैं पसीना आ गया काफ़ी ज़्यादा, स्वेटिंग हो रही है। ये बेसिकली इस साइड वाली मार्केट है, थोड़ा इधर हो जाते हैं। भाई सब कुछ बंद हो गया, मैंने सोचा इधर खोला होगा, बारिश ने आके कहर मचा दिया। कहर भाई, निकलने की जगह दीजिए। काफ़ी अच्छी है यार ये पेटलिंग स्ट्रीट, कह लो चाइना टाउन कह लो, बेसिकली चाइना टाउन को ही पेटलिंग स्ट्रीट कहते हैं। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी आती रहे टाइम टू टाइम। भाई तो जा रहा है, ये साइड वाली मार्केट ये सामने ख़त्म हो जाती है, इसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि अभी बारिश जब रुकेगी उसके बाद ही होगा जहाँ भी जाएंगे। बेसिकली बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अमरदेका स्क्वायर जा रहे हैं। बेसिक अमरदेका स्क्वायर मतलब यहाँ का, जैसे हमारे पार्लियामेंट वगैरह होती है ना, वैसे मलेशिया के अंदर यहीं पे मतलब फ्लैग होस्ट करते हैं इंडिपेंडेंस डे पे। फाइनली अमरदेका स्क्वायर पहुँच गए हैं, ये इस साइड पे अमरदेका स्क्वायर पीछे, ये देखिए देखा
है ना नज़ारेदार चीज़। अब हम बेकस से जा रहे हैं ट्विन टावर।